एक्सरसाइज 2.7 क्वेश्चन नंबर 4 इम्पॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू ए माइनस बी, ए ओवर एक्स माइनस बी ओवर वाई इज इक्वल टू 2। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 एंड क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर हमने एक इक्वेशंस के अंदर से हमने एक्स की वैल्यू निकालते थे, दूसरे के अंदर पुटिंग कर देते थे, दर्ज कर देते थे। इसी तरह से इसी सवाल में भी करने की कोशिश करेंगे। अगले ऐसे स्टूडेंट्स जिन्होंने क्वेश्चन नंबर 1, 2 का लेक्चर अटेंड नहीं किया, सी आउट नहीं किया, तो प्लीज़ उनसे रिक्वेस्ट है कि वो पहले क्वेश्चन नंबर 1 और 2 को अच्छे तरीके से उस लेक्चर को कंडक्ट कर लें और ख़ुद प्रैक्टिस करने की कोशिश कर लें, देन आप क्वेश्चन नंबर 4 को अच्छे तरीके से आप समझ सकेंगे, ताकि आपको कोई डिफ़िकल्टी ना हो। इसी तरह से आपने इक्वेशन नंबर 1 में से हमने एक्स की वैल्यू निकाल लेनी है। यहाँ पे वाई प्लस का है, दूसरी तरफ आके क्या हो गया है माइनस का। तो आपने क्या किया है कि आपने एक्स की कीमत है वो इस मसावात में दर्ज कर दिया, और इस मसावात में थोड़ा सा उन्होंने सिंपल कर दिया, आसानी ये कर दी कि यहाँ एक्स और वाई के पहले उन्होंने क्या ले लिया, ज़ुज़ाफ़कल ले लिया, जिसको हम एलसीएम कहते हैं, जिसके नीचे एक्स है, एक्स से एक्स कट जाएगा, वाई वाई से ऊपर वाले से मल्टीप्लाई हो जाएगा। इसी तरह से यहाँ पे होगा। अब एक्स वाई यहाँ पे क्या हो रहा है, हमारा डिवाइड हो रहा है, दूसरी तरफ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब ये हमारे पास चीज़ आ गई है, ठीक है। एक ये चीज़ के अंदर हमारा वैल्यूज पुट करना मुश्किल था, इसलिए ईजी करने के लिए, आपके लिए ईजी मैंने वे कंडक्ट किया कि बच्चों को मुश्किल ना पेश आए, तो इसलिए मैंने ये मेथड्स को यूज़ करते हुए हमने एक्स और वाई की कीमत को डिवाइड वाले जो नोमिनेटर डिनोमिनेटर को ख़त्म कर दिया। अब ये जो हमने एक्स की वैल्यू निकाली है, ये हम यहाँ पे इसकी इस वैल्यू के अंदर, इस मसावात के अंदर दर्ज, जहाँ जहाँ पे एक्स होगा वहाँ पे ए माइनस बी माइनस वाई दर्ज कर देंगे, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे हमने ये दर्ज कर दिया। बी अंदर ज़रब हो जाएगा, बी ए आ जाएगा, ये बी का स्क्वेयर बन जाएगा, और ये प्लस क्यों बन गया, क्योंकि माइनस माइनस है, माइनस माइनस प्लस, इधर भी माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, बी वाई हो जाएगा, 2 जो उनसे वो अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा, लेकिन y भी मौजूद है तो y भी मल्टीप्लाई होगा, 2 भी मल्टीप्लाई होगा, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा 2ay, यहाँ पे माइनस 2by, यहाँ पे माइनस 2y का 2 आ जाएगी, ठीक है। अब हाँ, आपने करना क्या है, आपने इस तरह करना है कि सब वैल्यूज़ को एक तरफ ले आना है। अब ये तीनों जो वैल्यूज़ थी इनको हमने क्या किया, हमने दूसरी तरफ ले आए, माइनस की थी तो इधर आके क्या होगी प्लस की, ठीक है। अब ये इधर प्लस की थी, इधर आके क्या होगी माइनस की। अब इसी तरह से ये प्लस की पहले ही मौजूद थी, ये माइनस की थी, इस तरफ आके प्लस होगी, और ये प्लस बी वाई वैसे ही इस तरफ मौजूद था, प्लस बी की 2 वैसे ही, और ये माइनस बी ए था, इसको ए बी सी सीक्वेंस दे दी हमने, इक्वल टू 0 हो गया। अब प्लस माइनस कर लेंगे, जो मिलती जुलती होंगी उनको प्लस माइनस कर देंगे, जैसा कि हमारे पास ये दोनों मिलती हैं, माइनस हो रही हैं, तो माइनस ए वाई आ जाएगा, ये दोनों प्लस हो रही हैं तो इनको प्लस करेंगे, माइनस 3b आ जाएगा, और यहाँ पे प्लस बी की 2 माइनस ए बी वैसे ही रहेगा, ठीक है। उम्मीद है आपको यहाँ तक समझ आ गई होगी इस क्वेश्चन की, अगर नहीं समझ आई तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अब इन दोनों में से कुछ चीज़ कॉमन आ रही है, हमारी माइनस भी कॉमन आ सकता है, वाई भी हमने कॉमन ले लिया, क्योंकि हमने आगे तजजी करनी है, इसलिए वो हम नेक्स्ट आपको बताते हैं। बी की 2 माइनस ए बी वैसे ही रहेगा, तो हमारे पास जो वाई की 2 वाली होती है वो हमारी ए की रकम होती है, जो वाई वाली होती है वो हमारी बी की रकम होती है, जिसके साथ कुछ नहीं होता वो हमारी सी की होती है, जिस तरह से हमने चैप्टर नंबर 2, 1 के अंदर मसावात नहीं करते थे, दो दर्जी मसावात, क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाते थे, बिल्कुल वही यहाँ पे हम एक फार्मूला लगाएंगे। जी बच्चों, हमारे पास एक क्वाड्रेटिक फार्मूला है जिसको दो दर्जी फार्मूला कहते हैं, उसके अंदर हम ये कीमतें दर्ज कर देंगे, बी की जगह पे हम माइनस ए माइनस 3b दर्ज कर देंगे, यहाँ पे भी बी की जगह पे यही दर्ज करेंगे, यहाँ पे माइनस 4 ये फार्मूले वाला है, ए की जगह पे 2 दर्ज कर देंगे, और सी की जगह पे बी की 2 माइनस ए बी, और यहाँ पे ए की जगह पे 2 आ जाएगा, ठीक है। और फिर आपने क्या करना है, ये देखिए माइनस माइनस प्लस हो गया, ए माइनस 3b आ जाएगा, यहाँ पे जो 2 है ना, 2 हमारा इवन है, जिसको जुफ्त कहते हैं, ये माइनस को प्लस कर देगा, लेकिन अंदर एक फार्मूला ओपन हो जाएगा जो कि आपको दिखाई दे रहा है स्क्रीन पे, ए की 2 प्लस 9b की 2 माइनस 3 माइनस 6ab, ठीक है। ये एक फार्मूला हमने खोला है, ए माइनस बी का कुल ये वाला, माइन 2, 4, 8 हो जाएगा। अब माइनस 8 अंदर क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, माइनस भी अगर होगा अंदर तो हमारी क्या हो जाएंगी, जो अलामतें हैं वो बदल जाएंगी। अब ए की 2
ये वैसे ही आ जाएगा, ये 9b^2 है, ये -8b है, ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस, तो प्लस b^2 बचेगा, यहाँ पे हमारा प्लस माइनस माइनस होगा, प्लस 2ab बचेगा। अब यहाँ पे कुलिया बन जाएगा, फार्मूला बन रहा है ना, बिल्कुल बन रहा है, a+b^2 वाला फार्मूला बन रहा है, ठीक है। अब ये जजर और स्केयर रूट, जिसको हम कहते हैं स्केयर रूट और स्केयर कट हो जाते हैं, जजर और मरबा कट हो जाते हैं, ठीक है। हमारे पास फिर दो कीमतें आएंगी, एक प्लस माइनस आ जाएगा, एक माइनस वाली हो जाएगी और एक हमारी प्लस वाली हो जाएगी। जब माइनस वाली से करेंगे तो हमारी अंदर अलामतें बदल के a-b आ जाएगा, a से कट गया -4ab, 4 से 4 कट जाएगा, हमारे पास y की कीमत क्या आ जाएगी, -b। यहाँ पे हमारी क्या आएगी, यहाँ पे प्लस है, प्लस अंदर अलामतें नहीं चेंज करता, ठीक है, तब्दील नहीं होती। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, a और a 2a हो जाएगा, यहाँ पे हमारा -2b हो जाएगा, क्योंकि -3b है, प्लस b है, तो क्या हो जाएगा, -2b हो जाएगा। इसमें से 2 कॉमन ले लेंगे, जब 2 कॉमन लेंगे, 2 1 2 2 2 4, a-b/2 आ जाएगा। अब जहाँ जहाँ पे हमने जो कीमत हमने निकाली थी, ठीक है, इस मसावात में से निकाली थी ना, यहाँ पे हम क्या कर देंगे, y की कीमत दर्ज कर देंगे, तो हमारे पास x की कीमतें आ जाएंगी। जब हम यहाँ पे y की जगह पे हम -b दर्ज करेंगे, तो माइनस माइनस प्लस, तो ये कट जाएगा, वह x की कीमत क्या आ जाएगी, a, जबकि यहाँ पे y जोन से ना, y की जगह पे जब हम a-b/2 दर्ज करेंगे, तो हम यहाँ पे क्या लेंगे, पहले हम जो ज़ाफ़कर लेंगे, एलसीएम लेंगे, तो इसके नीचे कुछ भी नहीं है, तो ये 2a हो जाएगा, ये 2b हो जाएगा, इसके नीचे 2 कट जाएगा, तो -a+b आ जाएगा, क्योंकि अब प्लस क्यों आया, आप कहेंगे ना ये माइनस है और माइनस अंदर वैल्यूज चेंज कर देता है, ठीक है, आपने कंफ्यूज नहीं होना हर स्टेप में, ठीक है। और फिर मैं कह रहा हूँ, आपने रट्टा नहीं लगाना, मैथ इज़ नॉट रट्टा, ठीक है, प्लीज़ इस पर फोकस कीजिएगा। अब 2a में से 1a निकालेंगे, a बच जाएगा, जब -2b में से 1b निकालेंगे, a-b, तो यहाँ पे हमारे फिर रूट्स क्या बनेंगे, जब हमने x की कीमत निकली, y कीमत क्या दर्ज की, -b, एक हमारा ये बन गया, x की कीमत क्या निकली, a-b/2, और y की कीमत हमने क्या दर्ज की थी, a-b/2, तो ये हमारा दो रूट्स बन गए हैं। उम्मीद है आपको अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी, ये बहुत इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, और इस 2.7 में से लाजमी कोई ना कोई, लाजमी लाहौर बोर्ड के अंदर, फेडरल बोर्ड के अंदर लॉन्ग क्वेश्चन ज़रूर आता है, तो आपने प्रैक्टिस ज़रूर करनी है। अगर नहीं समझ आ रही तो बार बार पूछिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, बेस्ट ऑफ लक।